भाई इनके पे है ये देखो भाई अभी ये भाग रहे हैं, इनको शायद कुछ मिला है। बबून और मंकी पे टारगेट कर रहे हैं, बट देखते हैं मिलता क्या है। इसने गले में लटका लिया पूरा। अब ये ले जाएगा इसको घर पे और कबीलों वालों को कर देगा एक खुश। बाकी अगर आप आ रहे हो तो इनके साथ साथ में मत रहो यार, थोड़े से डिस्टेंस पे रहो। ये देखो लाइव देखो भाई, तो डॉग्स ने मार दिया। व्हाट इज दिस? जैकल। जैकल। गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोगों का स्वागत है यार आज फिर से एक बार नए वीडियो में। और यार अभी मैं हूँ दी हरजाबे ट्राइब लास्ट हंटर्स के साथ में। कल भी मैंने वीडियो कवर किया था बट कल इनको एक ही हंट मिला था। आज अभी ये भाग रहे हैं, इनको शायद कुछ मिला है। बबून और मंकी पे टारगेट कर रहे हैं बट देखते हैं मिलता क्या है इनको। अभी उधर से कोई सिग्नल आया है, ये बोल रहे हैं कि उधर से कुछ शिकार है इनके लिए। और मैं आपको बता रहा था कल इनको सिर्फ 3 हंट मिले थे, आज ये ट्राई कर रहे हैं यार बड़े हंट के लिए। इसीलिए मैं दोबारा सेकंड डे इनके साथ आया हूँ। तो वीडियो में बने रहो। बहुत ऊंचा यार कूदना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहो यार, आज शायद ये कोई बड़ा हंट कर पाए। पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली भाई। कुछ पकड़ा है इन्होंने। अरे भाई ये देखो, ये देखो लाइव देखो भाई तुम। डॉग्स ने मार दिया। व्हाट इज दिस? जैकल। जैकल या वी कॉल इट ब्लैक बक जैकल। अरे भाई बहुत, देखो इतनी ऊंचाई पर आए हैं यार, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हूँ अभी मैं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखो रिसीव भाई ने उठा लिया। राइट, आई एम गोइंग टू थ्रो इट टू यू। और ये फेंक दिया भाई ने नीचे। नो वे आउट। दिस इज हाउ, बहुत ऊंची यार इट गोस। या पहाड़ी है, यहाँ गुफाएं थी, इनमें इनके कुत्ते घुस गए और उनको मिल गया फिर हंट। आज तो इनका लकी डे, मैं बोल रहा हूँ ना सेकंड डे इनका लकी है। अभी थोड़ा सा बड़ा हंट मिला है इनको और ट्राई कर रहे हैं और भी बड़े के लिए, देखते हैं कितना बड़ा मिलता है लास्ट। अभी अपने को नीचे जाना पड़ेगा यार, बहुत मुश्किल है इधर से। मेरे को लग रहा है कि मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो इस तरीके से इनके साथ साथ में, ऐसे लग रहा है कि हंट ही कर रहा हूँ, इनके बिल्कुल साथ साथ में हूँ। जहाँ जहाँ ये झाड़ियों में फंसते हैं मैं भी फंस जाता हूँ इनके साथ में। हाँ टॉप पर आ गए भाई, यहाँ से देखो this is their nest, right? Where they are living. Yes. And their kids or their babies are inside the cave. Inside the cave. Yes. So, the mothers of the babies are on this side. They are coming this way. Okay. They are barking to the dogs. Okay. Yeah, and this one was about to escape and the dog catch it. Oh. Yeah. ये बोल रहे भाई यहाँ पर इनका रहने का घर है, ये गुफा है इसमें, और इनकी मदर्स उस साइड में है और बच्चे गुफा के अंदर है, क्योंकि गुफा बहुत गहरी होती है तो ये अंदर जा नहीं सकते। बट वो जो उनका फादर था ना वो बाहर ही घूम रहा था, तो भाई उस फादर को इनके डॉग्स ने पकड़ लिया। और जैसे ही वो चिल्लाया तो इनको पता चला कि हाँ डॉग्स ने कुछ मतलब किसी चीज़ को मारा है। इनके डॉग्स उसको खाते नहीं है, किल करते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं, फिर ये लोग आके उसको उठा लेते हैं। यार ये रास्ते बहुत ख़तरनाक है, मैं ही जानता हूँ कैसे उतर रहा हूँ। बट यार मैं थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग डेज में गांव में रहा हुआ हूँ तो ये सब एक्टिविटीज़ की हुई है, तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी अगर आप आ रहे हो तो इनके साथ साथ में मत रहो यार, थोड़े से डिस्टेंस पे रहो। मैं तो इनको फॉलो कर रहा हूँ पूरा, जहाँ जहाँ से हंट कर रहे हैं वहाँ से। और मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इन्होंने 2 बेबी और पकड़े हैं यार। चलो चलते हैं और देखते हैं। अरे भाई देखो ये देखो भाई, इन्होंने ये और पकड़ लिया अभी। 2 1 2 2
दो पकड़ लिए भाई इन्होंने, एक और पकड़ लिया है, ये बहुत खतरनाक है। कुछ है कुछ है, अब हम भागा भागा इस पेड़ पे आ गया, मेरे को लग रहा है अब गायब हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे पेड़ है। बट यार ये मेहनत पूरा करते हैं, शिकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, और मैं भी आपको हर एंगल से दिखा रहा हूँ यार, बना हुआ आपके साथ में, वीडियो में बने रहो और देखते रहो आगे आगे क्या जलवे हैं इनके लास्ट हंटर्स के, क्योंकि एकमात्र ट्राइब है भाई जो अभी भी हंटिंग पे जिंदा है, ये लोग सिर्फ हंट करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अकनावे सेंडे 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 बोलते हैं भाई इसको, ये अकनावे सेंडे सेंडे, और ये बिल्कुल इन्होंने दिल के आर पार कर दिया इस तीर को, निशान ना देखो यार इनको। ओके टेक दिस, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको जल्दी से जल्दी इसकी सांसें ये रोककर और अंदर रख, क्योंकि ऐसे तड़पाना अच्छा नहीं है। अरे भाई उसको मार दिया यार इन्होंने, तड़पाना सही नहीं होता, मैं भी इनको बोल रहा था यार इसको जल्दी से जल्दी आप रख लो, जान रखना इसको, ऐसे तड़पाओ मत जानवर को। और ये जश्न मनाते हैं यार हर शिकार के बाद में, अभी देखा आपने एक सॉन्ग पर ये डांस कर रहे थे। मारेगा तीर मारेगा, लाइव देखो मार रहा है गई लगी है भाई उसके, वहीं की वहीं बैठ गई बेचारी। कुत्ते भाई सोचे कि तुम्हें मिल जाए, ये सोचे हमें अपने को मिले, कुत्तों को ऐसे कुछ मिलना नहीं है, ये बेचारे हेल्प ही करते हैं इनकी। गई। अरे भाई इनके कुत्ते एक्सपर्ट है, चलो 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 एक और शिकार मिल गया यार इनको, और बने अभी मैं जा रहा हूँ इसके साथ में, भाई के साथ में, क्या मिला है अभी पता नहीं, ट्राई फुल कर रहे हैं यार, फुल जोश के साथ में ये लोग। फाइनली गिलहरी इन्होंने पकड़ ली और अपनी पॉकेट में रख लिया भाई, एक और गिलहरी इसने, और यार इस गिलहरी के लिए इसने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है, कम से कम 20 मिनट तक ये लोग इधर से उधर भटकते रहे, इनकी स्किन का देखो क्या हाल हो गया है, एंड फाइनली इन्होंने पकड़ ली। ये क्या खा रहा है, ये क्या बना रहा है भाई, ये कोई बीज है यार, इधर कोई पेड़ है, पेड़ के बीज कर रहे हैं वो, थोड़ा क्रश कर रहे हैं उनको, क्रश करने के बाद खा रहे हैं भाई इनको। मैं यहाँ पर कुछ ट्राई नहीं करने वाला यार, पता चले कोई पेड़ यहाँ पर जहरीला है अपनी बॉडी को सूट करे या नहीं करे, बट ये लोग कर रहे हैं। और ये यार आज इनका, मैं आपको बता रहा था आज इनका लकी डे है, फटाफट से इन्होंने यूँ चुटकियों में आज तो 3 शिकार कर लिए, कल तो पूरे दिन में 3 शिकार हुए थे इनसे, तो यार ये बंदा एक्सपर्ट है। मेरे को सबसे ज़्यादा इसका निशाना बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि जब जब इसने एरो मारी है ना डायरेक्ट जाके ही लगी है यार, और ये अभी थोड़ा नया है, ये भी सीख जाएगा, बाकी खा रहे हैं यार। मैं बोल वो फ्रूट है भाई इनके लिए जो क्रश करके खा रहे थे ना वो, यस यस दिस वन, ये देखो यार मुखिया जी हैं, मुखिया जी देखो पूरा इनके जैसे टैग्स होते हैं ना वैसे खूब सारी मालाएं पहनी हुई हैं, और मेन है इनका ये वाला जो इन्होंने लगाया हुआ है, ये मुखिया की निशानी है यहाँ, लीडर इज लीडर ऑफ द ग्रुप, ये भाई इनको सबको डायरेक्शन देता है और इसी के अकॉर्डिंग ये लोग चलते रहते हैं। इनके लिए यार एक सबसे बड़ी दिक्कत और होती है, जैसे ये एरो चलाते हैं तो एरो बहुत दूर जाके गिरता है, तो उसको भी ढूंढते हैं फिर ये जंगल में, और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक रास्ते हैं, अगर देखो मैं सामने से दिखाता हूँ, इधर से जाना ही पॉसिबल नहीं है इजीली, बट ये लोग तो किधर से भी घुस जाते हैं, अपने को भी ढूंढना पड़ेगा, है तो यार कुछ इधर से जाने का, बहुत तगड़ा शिकारी है भाई ये बंदा। लशोता बिता का चेचा ना कुक दुकान को ए बिता बाका बाका
ये क्लिक लैंग्वेज है भाई, क्लिक लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है। अरे भाई क्या निशाना है यार, अभी इसने मारा है वो निशाना और जाके लगा है उसको, कोई कबूतर था शायद, वो फड़फड़ाता हुआ कहीं दूसरे पेड़ पे चला गया, नहीं तो निशाना पक्का लगा है भाई। खतरनाक लोग हैं यार ये, झाड़ियों को तोड़कर और ये ऊपर चढ़ गए, ये भाई जा रहा है, कुछ बड़ा ही मिला लगता है इनको, तभी इतने एफर्ट्स कर रहे हैं लोग। अभी डांस कर रहे हैं, अभी हमको दो शिकार मिले, अकनबे मैं जैसे बता रहा था आज इनका लकी डे है, और इन्होंने मतलब अभी ये घर जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके बड़े बड़े दो शिकार मिल गए। देखो ये मार रखे इन्होंने, एक ये वाला है पूरा बड़ा जानवर है, और एक उस भाई ने लटका रखा है। अब ये पता नहीं क्या करेंगे, इनका बांध रहा है। बांध दिया यार इसने गर्दन से, पैर भी बांध दिए, और ये लटकाएगा अब इसको। अब ये खुश हो गए, थोड़ा मोटिवेशन आ गया इनमें, और थोड़े से रिलैक्स भी हो गए हैं, पहले बहुत ज्यादा सर्च कर रहे थे। एक इधर है और एक इधर है। मुखिया जी खुश हैं आज, सेंडे सबिरो युविको है बिलीली। ये देखो ये बांध लिया भाई इसने, गले में लटका लिया पूरा। अब ये ले जाएगा इसको घर पे और कबीलों वालों को कर देगा ये खुश आज। यार ये फोटो बोल रहा है, मेरी फोटो बना, मैंने आज शिकार किए दो दो। मैं बोला यार ले तेरी फोटो ही बना देते हैं भाई। अब जा रहे हैं भाई इनके घर, पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सेरेमनी करते हैं इतने शिकार करने के बाद में। तो चलो बने रहो मेरे साथ और चलो पहुंचते हैं इनके घर पे। माता एक वाको वाको बीच में गाइड से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को ये बताया कि यहाँ पर बड़े जानवर भी होते हैं, जैसे लियोपर्ड है, तो लेपर्ड यहाँ पर रहता है भाई, जैसे लेपर्ड है ना, तो लेपर्ड यहाँ पर रहता है गाइड ने बताया, और बट इतने ज़्यादा नहीं होते। बट यार इनके सामने लेपर्ड भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हंटर हैं। इनके सामने लेपर्ड, ये लेपर्ड को मार ले, क्योंकि मैं ये जहाँ पर रहते हैं फर्स्ट डे मैंने वहाँ देखा था, इनके पास में बड़ी बड़ी स्किन है, तो वो बड़े जानवरों की स्किन है जिनको ये नीचे डालते हैं और उसमें सोते हैं। यार क्या है, तो भाई आज के लिए इनको सफिशियंट हंट मिल चुके हैं, और इस वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं। अभी देखो एक हंटर मेरे साथ में चल रहा है, मैं इस हंटर के साथ में अकेला हूँ इस जंगल में, गायब से हो गए हम, ये पता नहीं अब मैं सामने रास्ता है, मैं रास्ते से चलता जा रहा हूँ, ये मेरे साथ साथ चलता जा रहा है, मैं चाहता हूँ ये आगे चले। यार आपको ग्रीटिंग्स दे रहा है ये हरजावे ट्राइब की तरफ से, तो ग्रीटिंग्स ले लो भाई की तरफ से। और इस वीडियो को यार मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अभी आगे शायद मैं इनको शाम के टाइम में इनके पास में जाऊँगा, तो इनका
का कल्चर वगैरह दिखाऊंगा, कैसे रहते हैं, कैसे क्या मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो यार बने रहो आपके अपने चैनल के साथ, दी हिंद ट्रैकर के साथ, और यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज देख रहे हो आप कितनी मेहनत की आपके लिए यार, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो कर लो सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो। कमेंट में मैं आपसे ये सजेशन लेना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो, कि मतलब आप क्या सोचते हो इनके बारे में, कि इनको कुछ चेंज करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, या ऐसे ही इनको अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि यार मेरा तो ये मानना है कि ये लोग अपने जो पूर्वज थे ना, उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी लोग ट्रांसलेटर्स अवेलेबल भी हैं, इनसे बात भी करते हैं, बट इन्होंने हमेशा ये डिनाई करते हैं, हमेशा ये मना करते हैं कि हमें वो लाइफस्टाइल नहीं जीनी, हमें तो यही रहना है, इसी तरीके से रहना है। तो भाई इनकी मर्जी ये है, बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं पढ़ता हूँ, और यार मैं ज़रूर इन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो अपने गाइड भाई हैं उनके थ्रू। तो यार कमेंट कर दो, ज़बरदस्त कमेंट करो, आप कमेंट पे कमेंट कर दो। चलो थैंक यू, जय हिंद।